2 घंटे पहले एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसको देख के ये एक समझदार इंसान जरूर हिंट निकाल सकता है कि नीट 2025 में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। अभी आप इस बात को मान जाओगे। पहले बात करते प्रेस रिलीज क्या है। तो ये प्रेस रिलीज आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पे अपलोड है। मैं दिखाता हूं आपको, आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पे ये अपलोड है, अभी अभी रिलीज हुआ है। 5 नवंबर को लास्ट प्रेस रिलीज था, 18 नवंबर को दूसरा प्रेस रिलीज है। इन्होंने क्या बोला, 5 नवंबर को कुछ बदलाव किए थे, उसमें से एक बदलाव है कि जेई एडवांस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ा दिया जाए, ये इन्होंने चेंजेस किया था। आज 18 तारीख को बोल रहे नहीं नहीं कोई चेंजेस नहीं है, वापस लेते हैं हम उन चेंजेस को और पुराने पैटर्न से ही पेपर होगा। हो गया ये बात। अब पुराने पैटर्न से पेपर होगा, क्या नीट में इतनी आसानी से पुराने पैटर्न को बदल दिया जाएगा? जब जेई में नहीं हो पा रहा है, नंबर ऑफ बच्चे कम है, यहां पे ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, ये सब चीजें अगर नहीं हो पा रही है, तो नीट में भी एक समझदार इंसान को यही हिंट लेना चाहिए। आप जो परेशान हो रहे हो कि सर पता नहीं 2 बार एग्जाम हो जाएगा, इजी हार्ड होगा, या सिलेबस तो नहीं बदल गया, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो कम नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब कम बच्चों के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में नहीं हो पा रहा है, तो नीट जैसे पेन एंड पेपर बड़े एग्जाम्स में यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो देयर इज नो चेंज एक समझदार इंसान को आईआईटी से, क्योंकि देखो एनटीए एग्जामिनेशन बॉडी सेम है, मानता हूं कि रूल्स अलग अलग बॉडी बना रही है, बट एग्जामिनेशन बॉडी सेम है, तो इतना आसान नहीं होगा एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज करना। तो आपको एक ही राय है कि आप बेटा खुल के पढ़िए, पूरा फोकस अपने सिलेबस पे लगाइए, टेस्ट पे लगाइए, नंबर पे लगाइए, ये सब के लिए आप छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए। एटलीस्ट मैं 99% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि भाई कोई चेंजेस नहीं होगा 2025 में एटलीस्ट। हाँ 1% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ तो लोग उधर बैठे हैं जो कुछ बहुत स्पेशल कर रहे हैं, जो अपने ही 5 तारीख के चेंजेस को आज बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो चेंज नहीं होगा। कुछ स्पेशल लोग हैं, उनके लिए 1% तो मैं छोड़ ही के चलता हूं, बट मेजॉरिटी चांस 99% चांस, आप 100% मान के चलो कोई चेंज नहीं होगा। यहां भी चेंज हुआ था, हटा लिया गया, आप में भी वो चेंज होगा, एक आध वीडियोस बनेंगे, हटा लेंगे, आप टेंशन मतलब पढ़ाई पे फोकस करो। थैंक यू।